इतने सारे जवानों ने सरहद पर हमारे लिए अपनी जान दे दी थी। वैसे आज एक ऐसे ही शहीद सिपाही का परिवार यहां हमारे साथ आया है। आइए आपको उनके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नम्रता कुमारी है और मेरे पति का नाम शहीद कुंदन कुमार ओझा। 18 फरवरी 2018 को हमारी शादी हुई है। हमारी शादी के बाद कुंदन जी हमारे साथ 1 महीने 4 दिन वो साथ में थे। हमारी शादी 2 साल हुई थी, नहीं बोल पाऊंगी। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। हमारी शादी 2 साल हुई थी, 2 साल में वो 4 बार घर आए हुए थे, लेकिन इस बार वो इसलिए 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे क्योंकि मेरी बाबू 5.5 महीने की पेट में थी। वो 16 फरवरी को गए और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया लग ही पोड़ा। 2018 में ही नवंबर में लेह लद्दाख उनकी पोस्टिंग हुई थी। चीनी सेना से मुठभेड़ की उन्होंने 5 बंदे को मारते मारते शहीद हुए हैं। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। मेरी बात उनसे लास्ट बात बढ़िया से 17 मई को हुई। उसके बाद से 17 जून को सीधा खबर आई कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। भारत सलाम। मेरी बच्ची 15 दिन की थी जब मेरे हस्बैंड देश के लिए शहीद हो गए। आज भी मुझे लगता है कि वो देश के लिए शहीद नहीं हुए, कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी मुझे लगता है कि वो ड्यूटी पे ही है, कभी ना कभी जरूर वापस आएंगे। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ना तो उनका फोन आया, ना ही उनका कोई मैसेज आया, ना ही वो कभी लौट के आए। जाते जाते वो मुझे इतना दे के गए हैं कि कुंदन जी के नाम से मुझे सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। इस चीज का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.